हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अपडेट देने वाला हूं दो ऐसे कॉइन्स के बारे में जो अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन अपकमिंग डेज। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुम्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियोज़ बैक टू बैक देखने को मिलती रहेंगी। आप देख सकते हैं मैटिक जिली का REP LTO, जिस 5 दिन पहले जिनका ये सिग्नल दिया गया था, आप उससे अब तक का प्राइस चेक कर सकते हो। RLC जिस वक्त ये सिग्नल दिया गया था उस वक्त करीब करीब आपका इसका प्राइस था करीब 7300 के आसपास से लेके 8000 के आसपास, और 2100 सतोसी को हिट कर चुका है, 21000 सतोसी को हिट कर चुका है। बाइनोमो की सारी वीडियो जिसके अंदर 4 प्रीमियम सिग्नल्स आपको इस चैनल पर आपको सिग्नल से सिग्नल्स दिखाई दे, बिटकॉइन मार्केट के सारी अपडेट मिलेंगे, आपका इवेंट्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बाइनेंस फ्यूचर के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सभी कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वन एंड ओनली चैनल जहां पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल, मार्जिन ट्रेडिंग के सिग्नल, स्कैल्पिंग के सिग्नल, साथ में अपकमिंग इवेंट से रिलेटेड सिग्नल, न्यूज बेस्ड सिग्नल, स्ट्रॉन्ग TA बेस्ड सिग्नल फ्री ऑफ कोर्स दिए जाते हैं मेरे फ्री टेक हेल्प हिंदी टेलीग्राम चैनल पर। आप उसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, आप उसे जैसे स्कैन करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम से लिंक दिख जाएगा, आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी फ्री अपडेट मिलती रहेगी। साथ में आपको डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर आप मुझसे कुछ भी कुछ क्वेश्चन चाहे पूछ सकते हैं। आपको करीब करीब मंथ के अंदर 15 से लेकर 30 फ्री सिग्नल्स दिए जाते हैं, और बाकी अपडेट्स जो दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, उसके हिसाब से तो अनलिमिटेड हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मेरे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपये पर ईयर की फीस पर, यानी कि आपको सिर्फ 7000 रुपये में 1 साल तक के लिए कोई पैसा नहीं देना, फ्री सिग्नल आप मेरे प्रीमियम सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मेरे फ्री ग्रुप के अंदर भी मैं उसका शेयर करता रहता हूं। अभी मेरे इसी मंथ का अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, यानी PDF फाइल शेयर किया, वहां से जाकर उसका रिजल्ट को देख सकते हैं। तो मैं सीधा चलता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। वन एंड ओनली चैनल आपको सभी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, वो कौन सा कॉइन है, डॉज कॉइन। आपको चार्ट से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए वैसे इसके अगर इवेंट की बात करते हैं तो इसका इवेंट 10 जुलाई को था, तो मैं एक बार इसके इवेंट पर चलता हूँ डॉज कॉइन के। तो देखिए 10 जुलाई को इसका इवेंट था, बिटफिनिक्स की लिस्टिंग थी, तो वो हो चुकी है। खैर इसके अंदर बहुत ही अच्छा पंप देखने को मिला है हमें, अगर हम इसकी बात करते हैं डॉज कॉइन की, तो करीब करीब देखिए ये सिर्फ 1 आवर का चार्ट है तो हम इसको देख सकते हैं। 32 सतोसी से मेरा सिग्नल दिया हुआ था और हमने इसको 41 सतोसी को हिट कर चुके, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ ये सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमने इसके अंदर 38% प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब अगेन हम इसके अंदर एंट्रीज लेना चाहते हैं तो जो आपको ये रेड जो लाइन दिखाई दे रही है ये एक तरह से इसका सपोर्ट है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको एक्युमुलेट कर लीजिए। बाकी इसके जो बाइंग रेंज है 36 से 32 के बीच की, अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ पे इसे थोड़ा थोड़ा बाय करते जाएं। और अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप चाहे तो 37 पर से लेकर 36 पर एक पार्ट बाय कर सकते हैं। पार्ट को बाय करने का क्या तरीका होता है, जो मैं यूज करता हूँ, सबके अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जैसे किसी कॉइन का आपको मालूम है या न्यूज़ आने वाली है तो 100% उसका प्राइस पंप ही होता है, तो जल्दी आप उसको रिट्रेस नहीं होते देख सकते जब तक कि BTC के अंदर फ्लक्चुएशन या डंप ना हो जाए। तो अभी जैसे अभी 38 सतोसी डोज कॉइन, देखिए डोज कॉइन का अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, फंडामेंटल बात करता हूँ, तो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसके अंदर बस हाइप है, तो हमने तो सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। तो देखिए अगर आपको 37 से 36 पर आपको एक पार्ट बाय करना, अगर मैं आपको एग्जांपल बात करूंगा, अगर आप $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप 100 रुपये के हिसाब से बात करता हूँ, अगर आप 100 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और पहली बात अगर आपके पास टोटल 1000 रुपये हैं तो आप सिर्फ 100 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि अपने पूरे टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट करेंगे, या आप चाहे तो 5 से 8% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है। तो अब क्या करना होगा, $100 के अंदर आपको अपना यहाँ पर 25% से, यानी कि करीब करीब $25 से अभी एक करंट प्राइस पे बाय कर लेंगे, यानी कि करीब करीब 37 के आसपास हम इसको बाय कर लेंगे और फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। देन अगर जब ये दोबारा इस लाइन को, यानी कि 37 को ब्रेक कर देता है, यानी कि 36 तक आता है, तो यहाँ पर हम फिर दोबारा से 30 का बाय कर लेंगे, यानी कि हमने 25 प्लस 30 हमारा हो जाता है 55। उसके बाद अगर दोबारा से हमें डिप में मिलता है तो फिर हम दोबारा से इसमें 25 का बाय करेंगे, यानी कि हमारा टोटल 25 25, और साथ में और हमारा 25 हमारा ऑलमोस्ट करीब करीब 75% हमारा यहाँ पर फंड खत्म हो चुका है।
तो अब इसके बाद जब दोबारा हमें यहाँ पर नीचे मिलता है यानी कि 34 पे मिलता है दोबारा से, तब हम इसके अंदर फिर 15% से बाय करें। अगर उससे नीचे जाता तो फिर हम 10% से फिर बाय कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ हमेशा, क्योंकि जरूरी पहला पार्ट आपको इसलिए बाय करने के लिए कहा देगा, अभी 37 पर आ चुका है इसलिए आपको बाय करने के लिए कहा 25%, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर सकता है। अभी देखिए 38-37 पर ये बार बार अप डाउन कर रहा, तो यहाँ से अगर ये आपको दोबारा से करीब करीब 40 सतोसी तक भी जाता है, देखिए आपको एक एग्जाम्पल बता दो, ये आप इसे एज ए स्कैल्प कॉल ले सकते हैं, तो करीब सिर्फ 40 सतोसी तक भी आपको ये करीबन 7 से 8% प्रॉफिट देगा, तो आप इसको अंदर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और इसका जो आपका जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा एक बार ड्रा कर दूँ, तो अगर यहाँ से पंप भी होता है तो यहाँ से थोड़ा सा इसको रिट्रेस होना ही होना चाहिए, तो आप देख सकते होंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए, तो यहाँ से इसको रिट्रेस होकर फिर दोबारा इसको पंप होना चाहिए। तो ये है, पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं छोड़ेंगे तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे 7% पे अपना 30% के आसपास सेल करेंगे, जब ऊपर जाता तो यहाँ पर आप अपना 50% सेल कर देंगे, जो भी आपका करीब करीब आप मान लीजिए 30% आपने सेल कर दिया, उसके बाद आपके पास 70% बच गया, तो यहाँ पर आप कम से कम अपना 50% जो बैलेंस बचेगा उसे सेल कर देंगे, 20% आप होल्ड कर देंगे, अगर वहाँ से ऊपर जाता तो उसको सेल कर देंगे, अदरवाइज दोबारा से आप जो आपने सेल किया है उससे आप यहाँ पर दोबारा बाय करके फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डॉज कॉइन, अब मैं बात करता हूँ आर्डर कॉइन की। हाँ जी, इसके इवेंट को भी देख लेते हैं, तो देखिए आर्डर कॉइन के इवेंट को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 31 जुलाई को स्टेबल रिलीज हो रहा है इसका, और बाकी तो खैर 9 जुलाई को भी था इसका इवेंट, 11, 6, 16 जून को भी था, तो काफ़ी सारे इसके इवेंट रहे हैं। तो अब ये स्टेबल रिलीज जो इसका हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको, तो इसके अंदर मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहूँगा, हम कम से कम भी 15 से लेकर कम से कम भी 40% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए अभी इसका करंट प्राइस जो चल रहा है, मैंने इसके चार्ट को मैं ले लेता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो और साथ में अभी देखिए MACD आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि मार्केट बेयरिश के चांसेस हैं, पर आपको स्टोकेस्टिक RSI अभी आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से इसके थोड़ा सा अप हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बॉटम में जा चुका है और फिर भी रिट्रेसमेंट है। बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर भी इनके बीच गैप कम होता जा रहा है 9 और 18 EMA के अंदर, तो अगर जैसे ही इसको रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस ओवर कर देती है तो फिर हम इसके प्राइस को ईजिली, नज़र रखिएगा यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रेड ने ग्रीन को क्रॉस ओवर कर दिया है, तो यहाँ से इसका थोड़ा सा रिट्रेस होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पर आपको देखिए, पर यहाँ पर आपको 50 EMA का सपोर्ट भी है, 50 EMA का सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक के चांसेस हो सकते हैं। आर्डर कॉइन में 617 का इस वक्त करंट प्राइस चल रहा है, और अगर मैं बात करता हूँ 616 का इस वक्त करंट प्राइस चल रहा है, 130 BTC का वॉल्यूम है, और 609 से 651 तक ये गया है विद इन 24 आवर्स, तो इसने पंप दिया है। तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है आपको, देखिए यहाँ से इससे नीचे जैसे आएगा तो आप यहाँ पर एक पार्ट अपना यहाँ पर बाय कर लीजिए, बाकी यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक जितने भी पार्ट्स में आपको मिलता है थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करते जाएं, और जो मेरा इसका मिनिमम जो प्रॉफिट टारगेट है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, करीब करीब 24 से 25% का प्रॉफिट टारगेट है, प्रॉफिट लीजिए, एग्जिट कर जाइए। अगर आप यहाँ तक चाहें तो अपना 50-60-70% सेल कर दीजिए, उसके बाद 30% पे स्टॉप लॉस एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, किसी भी कॉइन को कितना भी पंप कर सकता है आज आने वाले टाइम के अंदर। तो ये था मेरा आर्डर कॉइन के लिए, तो ये दो कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, वैसे ही मैंने आपको पहले भी मैटिक का भी बताया था, जिलिका का बताया था, नियो का बताया था, क्यूटम का बताया था, ओंटोलॉजी का बताया था, और ADA का बताया था, और ETC का बताया था, बहुत सारे कॉइन्स के मैं ऑलरेडी आपको आयोटेक्स का भी बताया था, तो बहुत सारे के सिग्नल दिए हैं, तो वैसे ही ये है, आप इसको इस हिसाब से एग्जीक्यूट करें और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स हैं, अगर आपने उन्हें फॉलो नहीं किया तो मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसका स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा, आप उससे उसको जुड़ जाइए और फ्री में सिग्नल्स को फॉलो कीजिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, कैसे सेल करना है, कैसे बाय करना है, और कितना कितना फंड इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास टोटल $100 है तो $10-$10 दोनों में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो भी पार्ट्स के अंदर बाय करना है, जो आपको पूरी स्ट्रेटेजी इसके अंदर बताई गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट रह गया हो आपको और कोई अच्छा कॉइन सजेस्ट करना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।